गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सहजन का साग रेसिपी। ये सहजन का पत्ता है, मैं पत्ता को साफ करके काट के धो के रख दिया है। अब कढ़ाई में ले रही हूँ तेल। यहाँ मैं सरसों का तेल लिया है, यहाँ प्याज, दो ग्रीन चिल्ली और दो सूखी लाल मिर्च और चार पांच कोला लहसुन। उसको मैं दर दर उसको मैंने काट लिया है। यहाँ प्याज को भी काट लिया। अब तेल गरम हुआ कि नहीं, थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा डाल के देख लिया। पहले तेल हमारा गरम हो गया, हम डाल देते हैं प्याज, लहसुन और मिर्च। एकदम सिंपल रेसिपी है। प्याज, लहसुन और मिर्ची को हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। एक हेल्दी रेसिपी है। अब हम डाल देते हैं साग, सहजन का जो लीफ है साग, उसको डाल देते हैं। स्वाद अनुसार यहाँ नमक भी डाल देते हैं। आंच को हम स्लो करके, स्लो आंच पर उसको इसी तरह हम चलाते जाएंगे जब तक थोड़ा सा साग पक न जाए। ये थोड़ा हार्ड रहता है, ये साग दूसरे जो लीफ वेजिटेबल्स रहता है उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। पकने में उसको थोड़ी टाइम लगता है वो दूसरे साग के मुकाबले में। इसको हम ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाएगा ढक्कन लगाएंगे तो। बनके हमारा रेडी हो गया है साग। चलिए इसको सर्व करते हैं।